हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति था उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। तो दोस्तों 34 वर्ष आई है तो व्यक्ति और पुत्री की आयु 34 वर्ष औसत है। दोस्तों इनकी आयु हम निकालेंगे योग, तो क्या निकालेंगे 34 गुणा में 2 यानी कि 68 वर्ष इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। इसने कहा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि इनका 14x और 5x क्या है, अनुपात है 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो अब क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम 4 माइनस करेंगे और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे। वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 14x माइनस 4 और ये 5x माइनस 4, तो इनको हम प्लस कर देंगे। दोस्तों प्लस करने के बाद वर्तमान में इनकी आयु का योग हमारे पास है कितना, 68। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 14x और 5x कितना आ जाएगा हमारे पास, 19x माइनस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा माइनस 8। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उस साइड में लेके जाएंगे दोस्तों 8 को, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर 68 है, 19x ये प्लस का हो जाएगा, 68 प्लस 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, 76 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 19x इक्वल टू 76 आया, x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 76 बटे 19 यानी 19 चौके 76, एक्स का मान क्या है हमारे पास, 4 आया दोस्तों। तब पूछा गया पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो 4 आया एक्स का मान, वर्तमान हमारा क्या है, तो है व्यक्ति की और ये है पुत्री की, तो हम इसमें पुत्री का मान रख देंगे एक्स की जगह पर 4, यानी कि 5 गुणा एक्स है 4 माइनस 4, 5 चौक 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। यही क्या हमारा आंसर है दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु 16 वर्ष है।